हेलो दोस्तों, मेरे चैनल यूडीएस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही डिफरेंट टाइप का लाए हैं आलू और मटर की सब्जी की रेसिपी। दोस्तों, आप इसे मेहमानों को आने पर या घर में छोटी मोटी फंक्शन पार्टी है तो भी आप इसे बना सकते हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये सब्जी जितना देखने में अच्छा लगता है, डिलीशियस लगता है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। दोस्तों, आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मीडियम साइज का कच्चे आलू ले लेना है और एक आलू को हम होल करके दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से चम्मच का पीछे भाग से हम इस तरीके से होल करेंगे। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से, यार हाथों में लगने का भी डर नहीं होता है इससे। आलू मटर की सब्जी तो हम हमेशा साधारण तरीके से बनाते ही रहते हैं। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये जितना देखने में अच्छा लगेगा, खाने में कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। सभी इसकी तारीफ़ करेंगे और वो भी इतने कम समय में। इसे होल करने में बहुत ही कम समय लगता है इस तरीके से जब आप करेंगे। तो इधर हम देखिए सभी आलुओं को पानी में डुबो कर रख दिए हैं ताकि काला न पड़े। और इधर हम एक कटोरी फ्रेश ताजे हरे मटर लिए हैं। तो सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। दो टमाटर लिया है और एक प्याज को हमने कट करके लिया है, टमाटर को भी कट करके लिया है, और कुछ लहसुन की कलियाँ और दो हरी मिर्च। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पीस लिया है। इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हमने डाला है थोड़ा सा हींग और एक चम्मच साबुत जीरा और एक चम्मच डाला है राई और थोड़े से हम क्रश करके डाल देंगे कसूरी मेथी। इन सभी को चटकने के बाद इसमें हम मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्च को हमने बारीक कट करके डाला है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे इसे। तो इतना ही हमें भुनना है इसे। अब इसमें हम डाल देंगे मटर को। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटा चम्मच और हाफ छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। फिर डालेंगे जीरा पाउडर और इसे थोड़े देर हम हल्के आंच पर भूनेंगे। अब इसमें हम इन आलुओं को डाल देंगे जो होल करके हमने निकाला है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे जो मटर और आलू हैं अच्छे से नरम हो जाए। और इसे थोड़े देर के लिए हम ढक देंगे। तो देखिए, अच्छे से नरम हो चुका है। अब इसे हम इसके मदद से दबाएंगे, दबाते हुए इसे मैश करेंगे। इस तरीके से जब हम सब्जी इसकी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा आज रेसिपी आपको सीखने को मिलेगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने दरदरा इसका स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और गरम मसाला। तो ये तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए, इसे हम एक बर्तन में निकाल लिए हैं और सभी आलुओं को भी हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इधर हम दो छोटे चम्मच लिए हैं बेसन, थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसके जगह आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें बना लेना है। अब आलुओं में स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। बहुत ही चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है दोस्तों। तो इसे हम उंगलियों से दबाते हुए भरेंगे।
अब इस तरीके से इसमें डुबा देंगे। पूरा आलू को नहीं डुबाना है, बस जितना हमने स्टफिंग भरा है होल के हिसाब से ही इसे डुबोना है, ताकि जो हमारा स्टफिंग वो निकले नहीं। दूसरा भी हम भर कर दिखा देते हैं। पूरा आलू में हमें बेसन नहीं लगाना है, बस जितना होल है उतना ही हमें लगाना है, ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना आए। सभी को देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम इस तरीके से रख देंगे सभी को, और इसका बिल्कुल हमें सेलो फ्राई करना है। और इसे थोड़े देर के लिए ढक देंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, ताकि हमारा आलू जले नहीं। तो देखिए कुछ देर बाद हमने इसका ढक्कन हटाया है, तो ऊपर से काफ़ी ड्राई हो चुका है जो हमने बेसन लगाया था। इस तरीके से सभी को हम पलट देंगे। तो देखिए हमने सभी को अच्छे से उलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा आलू नरम भी हो गया है, तो देखिए हमने सभी को निकाल लिया। अब उसी पैन में हम डालेंगे साबुत जीरा। अगर आपको तेल कम लगे तो और तेल आप ले सकते हैं, और तेज पत्ता ले लेंगे, और सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़े से जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया के पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे कसूरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा, और स्वाद अनुसार नमक। और इसे धीमी आंच पर हम भूनेंगे जब तक मसाले में अच्छे खुशबू ना आ जाए। दोस्तों इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। अब इसे हल्के आंच पर भूनेंगे जब तक मसालों से अच्छी खुशबू ना आ जाए। तो देखिए अच्छे से ये भून चुका है, हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूना है अच्छे से। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, और इसमें 1 उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम आलूओं को इसमें डाल देंगे। सभी आलूओं को इस तरीके से हमने डाल दिया है। अब डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इसमें हमने हरी मिर्च को भी लंबा कट करके डाला है, और इसे लगभग हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखने में ही कितना आकर्षक लग रहा है दोस्तों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे, तो इसे हम कट करके दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए मेरे काटने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना सॉफ्ट है, और अंदर जो स्टफिंग है बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, बहुत ही चटपटी है। तो लीजिए दूसरा भी हम काट कर दिखाते हैं आपको, बहुत ही नरम है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे चावल, पराठा, नान, पूरी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप जिसे भी इस सब्जी को खिलाएंगे वो आपके तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। दोस्तों हमेशा हम साधारण तरीके से तो बनाते ही रहते हैं आलू मटर की सब्जी, एक बार इस तरीके से मेरे कहने पर आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यकीन मानिए अगर आप एक बार इस तरीके से बना लिए तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करना। मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं इस तरह की आसान टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, तब तक लिए बाय।